हे गाइस वेलकम बैक। सो आज मेरे पास है रियलमी का लेटेस्ट फ़ोन रियलमी C67 5G एंड आज हम इसका डिटेल में करेंगे BGMI गेमिंग टेस्ट। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं इस फ़ोन की गेमिंग को लेके सारे इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। बाकी हमने रेडमी का जो लेटेस्ट फ़ोन है रेडमी 13C 5G नार्जो 60X 5G इनका भी डिटेल में गेमिंग टेस्ट ऑलरेडी कर दिया, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन हैं इन सारे डिवाइसिस को लेके वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो डिटेल में आज हम इसका गेमिंग टेस्ट करेंगे, गेमिंग फीचर्स कौन कौन से इसमें आपको मिल जाते हैं, जायरोस्कोप के अंदर डिले मिलता है या फिर क्विक रिस्पॉन्स है, बैटरी कितनी ड्रॉप होती है, डिफरेंट मैप्स को हम इसके अंदर ट्राई करेंगे, हीटिंग इश्यूज़ वगैरह कितने क्या कुछ आपको मिलते हैं, तो प्रॉपरली हम टेस्ट करेंगे। परफॉर्मेंस के लिए फ़ोन के अंदर डायमेंसिटी 6100 प्लस का 5G चिपसेट प्रोवाइड किया गया है। एंटीटू बेंचमार्क स्कोर 4 लाख के अप्रोक्स मिल जाते हैं। बाकी CPU थ्रोटल के अंदर 92% के अप्रोक्स ग्राफ परफॉर्मेंस मिल जाती है। तो आज हम डिटेल में इसका गेमिंग टेस्ट करेंगे, जस्ट अपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो अभी फ़ोन के अंदर 83% बैटरी बची है जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यहाँ से हम इसका गेमिंग टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं। बाकी फ़ोन के अंदर 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले मिल जाती है। तो रिफ्रेश रेट को मैंने ऑटो सेलेक्ट कर दिया है, जितने भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली पिक कर लेगा। ब्राइटनेस फुल पे रखेंगे वाइल गेमिंग एंड डिवाइस वाईफाई से कनेक्टेड है। चलिए यहाँ पे टाइमर को हम स्टार्ट कर देते हैं, बैटरी वगैरह भी चेक कर लेंगे एंड गेमिंग के बारे में तो डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी के लिए 25 के अप्रोक्स टेम्परेचर है, बाकी रूम का 21 के अप्रोक्स है। आगे देखते हैं टेम्परेचर में कितना क्या कुछ इंक्रीमेंट मिलता है। और यहाँ पे गेम्स नाम से एक एप्लीकेशन मिलेगी, इसके अंदर 3 डॉट पे टैप करके मैनेज माई गेम में टैप करके यहाँ पे अपना जो गेम है वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैंने गेम के अंदर लॉगिन कर लिया, सारी सेटिंग्स कर लिए। सबसे पहले इसकी ग्राफिक सेटिंग्स आपको चेक करा देता हूँ। डायमेंसिटी 6100 प्लस का चिपसेट मिलता है, इसके अंदर स्मूथ एंड अल्ट्रा फ्रेम रेट यानी 40 FPS के अराउंड आप गेम प्ले कर पाएंगे। बैलेंस में भी सेम सेटिंग्स है, अल्ट्रा सेटिंग्स, HD में हाई फ्रेम रेट है एंड HDR का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो स्मूथ एंड अल्ट्रा को मैं ओके पे सेट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे इसके अंदर गेम ट्रब मोड भी मिलता है। चलिए एक बार मैं गेमिंग फीचर्स के बारे में बता देता हूँ क्या कुछ गेमिंग फीचर्स मिलते हैं। प्लस पे टैप करके जो एप्लीकेशन आप साइड में गेमिंग करते टाइम, जैसे कि यहाँ पे टूल्स का भी ऑप्शन है, यहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह म्यूज़िक कंट्रोल आप ऐड कर सकते हैं। व्हाट्सएप वगैरह पे अगर आप बात करना चाहते हैं या फिर कोई भी अदर चैटिंग सोशल मीडिया एप्लीकेशन, अगर आप साइड बाय साइड कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड के साथ बातचीत करना चाहते हैं, जैसे ये एप्लीकेशन है इस पर मैं टैप कर देता हूँ, साइड से इसका जो साइज़ है कॉर्नर से इसका साइज़ एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से फुल स्क्रीन जा सकते हैं एंड यहाँ से क्लोज़ करने का ऑप्शन है। बाकी मेरे पास है इस डिवाइस का 4GB रैम 128GB वाला वेरिएंट, ये थोड़ा सा लैग कर जाता है। यहाँ पे इसके अंदर डिफरेंट मोड मिलते हैं। अगर आपका बजट है 6GB रैम वाला वेरिएंट, 1000 एक्स्ट्रा पे करके ये 4GB 14000 में मिलता है विदाउट एनी ऑफर के। बाकी ऑफर में 12500 तक का पड़ जाता है। एंड 6 128GB 15000 प्राइसिंग है, वो भी ऑफर में 13000 के आसपास समथिंग का पड़ जाता है। तो वो रिकमेंड करूँगा 1000 रुपये ज़्यादा डाल के बेटर परफॉर्मेंस के लिए वो वाला परचेज कर लेना। यहाँ से डिफरेंट मोड मिलते हैं, प्रो गेम मोड को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। FPS वगैरह बताता रहेगा, बीच में आपको दिखाऊंगा। अभी सिस्टम स्टेटस को मैं एनेबल कर देता हूँ, FPS वगैरह यहाँ पे बता देगा कितने FPS पे गेमिंग है। वाइल गेमिंग अपने टीममेट्स के साथ डिफरेंट वॉइस में अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है, हाई एंड डीप। एंड इसके अंदर देख सकते हैं स्मूथ का, चाइल्ड का, एलियन, वुमेन वगैरह, ओहो काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। रेडमी के अंदर 5-6 ऑप्शन है, इसके अंदर देख सकते हैं करीब 10 से 12 ऑप्शन है। सिंपली टैप करके अपनी ऑडियो को किसी भी ऑडियो में चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसकी सेटिंग वगैरह आपको मिलती है। तो ये सारे गेमिंग फीचर थे। चलिए अभी इरेंगल का एक मैच लगा लेते हैं, उसके बाद TDM वगैरह भी, क्विक मैच, काफ़ी सारे गेम प्ले करेंगे एंड देन हम चेक करेंगे बैटरी परफॉर्मेंस वगैरह कैसी मिलती है एंड यहाँ पे FPS कितना स्टेबल है। बाकी FPS आप देख सकते हैं, जैसे हमने जंप किया 36-37 के अराउंड FPS आ गया था, अभी देख सकते हैं 40-42। बाकी यहाँ पर फ़ोन के अंदर जायरो का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, बट यहाँ पर जायरो इसके अंदर डिले आपको मिलेगा। एंड गाइज अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट फोटो या वीडियो उसको ओपन करने में, प्ले करने में, जैसे एग्जांपल के लिए ये वीडियो है, पिक्सल रेट हो चुकी है, इसको कैसे रिपेयर करना है, वंडरशेयर रिपेयर इट सॉफ्टवेयर है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं। इसके अंदर 2 ऑप्शन मिलेंगे, वीडियो रिपेयर एंड मोर के अंदर फोटो फाइल्स ऑडियो रिपेयर। जैसे वीडियो रिपेयर में आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले अपनी करप्टेड वीडियो इसमें ऐड कर लेनी है, जहाँ पर भी आपकी फाइल है ओपन पर टैप करेंगे कुछ ही सेकेंड में यहाँ पर रिपेयर का ऑप्शन आ जाएगा। रिपेयर पे टैप करेंगे तो कुछ ही सेकंड्स में आपकी वीडियो फाइल रिपेयर हो जाएगी। प्रीव्यू पे टैप करेंगे, ये आप देख सकते हैं स्मूथली रन करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही फोटो रिपेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है, ऐड करनी है सिंपली जो भी फोटो है एंड इसके अंदर रिपेयर का ऑप्शन आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं साइड बाई साइड कंपेरिजन, अपनी फोटो ऐसी थी, अपनी यहाँ पर जो भी पिक्सल्स डैमेज थे प्रॉपरली रिपेयर हो चुकी है। तो इसको यूज़ करना है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, काफ़ी यूज़फुल है।
अभी ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का गेम प्ले कम्प्लीट हो चुका है एंड यहाँ पे जो बैटरी थी स्टार्टिंग में 83% थी, अभी 77%, 20 मिनट के अप्रोक्स में 6% का ड्रॉप मिल जाता बैटरी के अंदर। एंड टेम्परेचर हमने 25 से स्टार्ट किया था, अभी 33 के अप्रोक्स आ चुका है टेम्परेचर एंड बैक साइड का भी सेम ही टेम्परेचर है एंड रूम का 20 के अप्रोक्स है। बाकी यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ठीक ठाक गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाती है एंड इसके अंदर BGMI में जायरोस्कोप का भी सपोर्ट मिल जाता है, जायरो भी डेफिनेटली मिलता है, बट जायरो के अंदर थोड़ा डिले मिलेगा, इसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा लेट मिलेगा, तो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। बाकी यहाँ पर FPS इसका 36 से 41 के बीच में रहता है, 40 अराउंड FPS में गेमिंग परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। बाकी आगे देखते हैं, एक और मैच हम चला लेते हैं। तो अभी अपना ये गेम प्ले पूरा कंप्लीट हो चुका है, बैटरी आप देख सकते हैं 72% बैटरी बची है, पहले 83% थी स्टार्टिंग में, 36 मिनट्स के अंदर 11% के अप्रोक्स बैटरी ड्रॉप हो जाती है। बाकी टेम्परेचर अभी 35 जा चुका है, पहले 25 से हमने स्टार्ट किया था एंड बैक साइड का 33 के अप्रोक्स मिल जाते हैं, तो जायरो थोड़ा डिले मिलता है। बाकी फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह थोड़े बहुत डेफिनेटली आपको मिलेंगे, मेरे पास 4GB रैम वेरिएंट है, 6GB रैम अगर आप परचेज करेंगे वहाँ पे थोड़ी और बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। तो अभी हम TDM का एक मैच लगा लेते हैं, उसके अंदर देखते हैं क्या कुछ परफॉर्मेंस मिलती है, फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह कितने क्या कुछ मिलते हैं, बैटरी कितनी ड्रेन होगी। अभी 71% पे हमने TDM का मैच स्टार्ट किया, बाकी टेम्परेचर भी चेक करेंगे, देखते हैं एक मैच के अंदर कितनी बैटरी ड्रॉप होती है। तो अभी TDM का एक मैच हमने कंप्लीट कर लिया है, बैटरी 71 के अप्रोक्स थी पहले, अभी 70% आ चुकी है, 1 से 1.5% के अप्रोक्स बैटरी ड्रॉप हो जाती है एक TDM के मैच के अंदर। बाकी टेम्परेचर आप देख सकते हैं 35 था पहले, अभी थोड़ा सा डाउन आ चुका है, अभी इसके अंदर 33 के अप्रोक्स है।
तो एक और TDM का मैच अपना कंप्लीट हो चुका है। पहले बैटरी थी 70%, अभी 67%। अभी एक TDM के मैच में 3% के अप्रोक्स की बैटरी ड्रॉप हो चुकी है, पहले 2% की अप्रोक्स थी। तो 2 से 3% बैटरी ड्रॉप हो जाती है। बाकी टेम्परेचर डाउन आ चुका है, 33 के अप्रोक्स टेम्परेचर है। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो जायरोस्कोप को बिल्कुल बेटर तरीके से मैंने टेस्ट कर लिया। नाम का ही जायरोस्कोप इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है, बिल्कुल काम का जायरो नहीं है। बाकी नॉर्मल गेमिंग के लिए ठीक ठाक गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगी, 4GB रैम है मेरे पास। अभी इसमें क्विक मैच हम लगा लेते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या कुछ परफॉर्मेंस है, बैटरी कितनी ड्रॉप होती है। 67% अभी के लिए बैटरी है। भाई नॉर्मल गेमिंग परफॉर्मेंस में ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। तो अभी अपना गेम प्ले पूरा कंप्लीट हो चुका है। पहले 67% थी, अभी क्विक मैच के बाद 65%, यानी 2% के अप्रोक्स का ड्रॉप आपको मिल जाता है। एंड टेम्परेचर अगर हम चेक करें, 34 के अप्रोक्स का टेम्परेचर अभी आ चुका है। एंड बैक साइड का 32 मैक्स आपको मिल जाता है। फाइनल कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 1 आवर के अप्रोक्स का हमने गेम प्ले पूरा कंप्लीट कर लिया। बाकी अगर आपको Redmi 13C का भी गेम प्ले कंपैरिजन वीडियोस वगैरह देखनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल है। Redmi 12 5G, Realme Narzo 60X सारे डिवाइसेस की कंपैरिजन वीडियो आप चेकआउट कर लेना। एंड इसकी जो बेस्ट बाय लिंक है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो 1 आवर के अंदर 18% के अप्रोक्स बैटरी ड्रॉप हो जाती है। बाकी ये टेस्टिंग हमने की थी Realme C67 को लेटेस्ट अपडेट करने के बाद, इसमें एक अपडेट आया था। तो लेटेस्ट अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद ये टेस्टिंग के जो भी रिजल्ट्स थे वो आपके सामने हैं। जायरोस्कोप नाम का आपको मिल जाता है। बाकी गेमिंग के लिए अगर आपको करना है, थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है इस फ़ोन में, डेफिनेटली आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर थोड़ी सही गेमिंग करना चाहते हैं रिकमेंड करूँगा 6GB रैम वाला वेरियंट परचेज़ कर लेना। इतनी सही गेमिंग परफॉर्मेंस 4GB रैम में नहीं है, बट आपका काम चला देगा। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर देना। सो डेट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।